यदि सासू माँ ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है, सास ने सांस लेना मुश्किल कर दिया, और ये शब्द अजीब लग रहे होंगे सुनकर मेरे मुंह से, परंतु मेरी इतनी सारी बहनों ने लिखा है मुझे कि हे भगवान दीदी मैं क्या करूं, मेरा पति भी अच्छा है, क्या अच्छा ससुराल मिला है। ससुर जी बहुत समझदार है, पिता से बढ़कर प्रेम देते हैं, घर में भाई बहनों जैसे ननद देवर है, और सबसे अच्छा समझने वाला प्रेम करने वाला पति है, परंतु सास जीने ही नहीं दे रहे। क्या करूं दीदी सास को वश में करने के लिए कुछ बताइए। इतने मैसेजेस आए हैं कि पति वशीकरण के बीच में स्टॉप करके मैं आज सास के लिए या उपाय बताने जा रही हूँ। बड़ा अद्भुत है ये भी रिश्ता। वही औरत जिन्होंने आरती उतार कर आपको अपनी बेटी स्वीकार किया, अपने घर में प्रवेश किया, बड़ी बड़ी बातें कही, या संसार आज तक मैं चला रही थी, अब मेरे बाद तुम चलाओगी। तुम नहीं, तुम मेरा ही एक छवि हो, मेरा ही एक भाग हो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तुम आ रही हो मेरे स्थान पर। यदि यह सत्य है, यदि आप सास के स्थान पर धीरे धीरे आ रहे हैं, फिर सास को इतनी समस्या क्यों है आपके गृहस्थ जीवन से। यदि पति थोड़ा सा भी ज्यादा समय आपको दे रहा है, सास को मंजूर नहीं। यदि ऑफिस से आने के बाद कुंवारा था तो माँ के कमरे में चला जाता था, थोड़ा अपना दिनचर्या बताता था, अब शादीशुदा हो गया है, दफ्तर से आता है और सीधे आपके कमरे में चला जाता है, तो अब सास उखड़ जा रही है। यदि आप खाना अच्छा बना रही हो, घर वाले तारीफ कर रहे हैं, सास को पसंद नहीं आ रहा, उसे ऐसा लग रहा है कि क्या इतने दिनों से मैं खराब खाना बना रही थी। समझ का फेर है, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो आपको हजम नहीं कर पा रही। सीधे शब्द, अनगिनत मैसेजेस जब सास के लिए आने लगते हैं तो मैं स्वयंचकित रह जाती हूँ कि ये तो माँ और बेटी का रिश्ता है, ये तो ऐसा रिश्ता है कि अपनी माँ से तो लड़की का छूट जाता है, वहाँ तो भाभियाँ आ जाती हैं। पर अब मैं जिस औरत को माँ समझकर अपने घर में प्रवेश की हूँ, अपने ससुराल में प्रवेश की हूँ, यदि मेरी माँ को ही मैं पसंद नहीं आ रही, मेरी माँ ही अरंगे लगा रही है, वो मेरे दाम्पत्य सुख में भंग डाल रही है, वो मेरे और मेरे पति के बीच लड़ाइयाँ लड़ा रही है, वो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से मेरा पति मुझ पर शक करने लगा है। मैं 2 मिनट भी अपने घर फोन करती हूँ तो सास कान लगा कर सुनती है, उल्टी पुल्टी बातें मोहल्ले भर में मेरे लिए फैला रही है, मैं क्या करूँ। अद्भुत बात है ना, अजीब बात है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि मैं सास को बहुत मानती हूँ। सास मतलब दूसरी माँ, और कोई अपनी माँ पर कैसे बाहर वालों से कह सकता है कि मेरी माँ मुझे तंग कर रही है, कोई उपाय बताइए कि मैं अपनी माँ को वश में करूँ। मतलब अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए ज्योतिष की बात करते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है मेरी बहनों। जो प्रयोग करने बताने जा रही हो, सास पूर्णता आपके वश में होगी, कब वो आपकी माँ बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको क्या करना है समझ लीजिए, परंतु एक बात ध्यान में रखिए कि कभी भी किसी को परखने के लिए कि अपनी सास की परीक्षा लेती हूँ, देखती हूँ कि मैं यहाँ पर वशीकरण करती हूँ तो सास पर क्या असर होता है, ये एक गलत भावना से कभी यह प्रयोग ना करें। जब भी करें सकारात्मक भाव से करें। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करनी है, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके 5 शुक्रवार करनी है। यहाँ से सुनिए, बड़ा सरल प्रयोग है, परंतु यहाँ ग्रहों को बहुत ध्यान में रखा गया है और ये एक प्रकार का टोटका भी है, तो इसे करने से पहले कोई ना आपको देखे और ना ही किसी की दृष्टि जाए, ना कोई टोके आपको। आपको 5 प्रकार के अनाज का आटा चाहिए, अर्थात गेहूं का आटा, चावल का आटा, ज्वार का आटा, बेसन यानी चने का आटा, ऐसे करके आप 5 प्रकार के आटा ले लें, 5 प्रकार का ही आप ले। पंच अनाज का बहुत महत्व होता है संबंधों को सुधारने के लिए भी, किसी भी अनाज को रिपीट ना कर दें। 5 अलग अलग प्रकार के अनाज का आटा ले लें, बहुत कम मात्रा में लेनी है आपको, 5ों को मिला दें और इसे चीनी और दूध से गूंदें, जैसे पानी के भी छींटे दें आपको सुविधा के लिए, लेकिन प्रथम आप इसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा दूध डाल दें, दूध भी शुक्र के लिए चीनी भी शुक्र के लिए आप इसे गूंदें। थोड़ा सा पानी का छींटा लेकर एक रोटी के जो
हम आटा तैयार डो तैयार करते हैं, वैसा तैयार करके इसे बेल कर बढ़िया सी एक रोटी बना ले। मैं आपको एक बात बताती हूँ ध्यान से, सास के साथ साथ ननद पर भी कार्य करता है। कुंवारी ननद हो या शादीशुदा, यदि वह भी परेशानियाँ क्रिएट कर रही है ससुराल में, वह भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, तो वो भी सास का ही स्थान ले चुकी है। तो आप सास और ननद दोनों को दिमाग में रखें। यदि सिर्फ ननद परेशान कर रही है तब भी यह प्रयोग करें। एक अच्छी सी रोटी सेक लें, इसे प्रेम से बनाए, लेकिन बनाते वक्त आनंदित रहें। थोड़ा सा घी निकाल ले कटोरी में, उसे पिघला ले, घी जमी हुई ना हो, पिघल जाए, उसमें कुछ दाने चीनी के डाल दे और उसे घोल दे अच्छी तरह से। अब अपनी उंगली को घी में डुबाकर, वो चीनी वाली घी में डुबाकर प्रथम सास का नाम लिखें। यदि ननद तबाह नहीं कर रही है आपको, ननद का कोई जिक्र नहीं, तो केवल सास का नाम लिख दे। सासू माँ ना लिख दे, सास का नाम लिखे, यहाँ वो व्यक्ति है, सिर्फ आपकी सास है ऐसा नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसे ही तो थोड़ा ठंडा करना है आपके प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसे। यदि ननद भी परेशान कर रही है, शामिल है इस साजिश में, तो ऊपर सास का नाम लिखे, नीचे ननद का घी से अपनी उंगली डालकर। अब आप कहेंगे वो पढ़ा नहीं जा रहा है, साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप साफ लिखिए, साफ दिखे या ना दिखे, सास और ननद दोनों का नाम आपने लिख दिया। यदि सास है ही नहीं आपकी, केवल कोई ननद है, बड़ी ननद हो छोटी ननद, और वही परेशान कर रही है अच्छी ज्यादा, तो इस रोटी में केवल ननद का नाम लिखाएगा। घी से आपने लिख दिया, इस रोटी को पहले फोर फोल्ड करके दबा दीजिए, अपने हाथों में ऐसे करके रख लीजिए और अच्छी बातें बोलिए। अब मेरी सास सुधर गई है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती है, मुझे अपने घर की चाबी सौंप दी है, मुझे अपने घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, वो मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। मेरी सास मेरे और मेरे पति के बीच कभी झगड़ा लड़ाइयाँ नहीं लड़ाती है, मतलब अच्छी बात है। अपनी जो कामनाएं जो दिन आप लाना चाहती हैं अच्छे से बोले, चार तह रोटी को मोड़ने के बाद, उसके बाद इन रोटियों को तोड़कर आप पंछियों को डाल दें, आंगन में डाल दें, छत पर डाल दें, परंतु पंछियों को खिला दें। पंछी ना हो, पंछियों को खिलाना संभव ना हो, तो गाय को खिला दें। गाय हो, भैंस हो, कोई भी जानवर हो, कुत्ते को ना दें। ये शुक्रवार वाला प्रयोग है, यहाँ कुत्ते को रोटी नहीं पड़ेगी, बकरी हो तो बकरी भी खाएगी ये रोटी। सर्वोत्तम पंछी, कौवा खा ले, मैना खा ले, ये रोटी आपको पंछियों का पेट भर देना है। आप लगातार 5 शुक्रवार लगातार यह प्रयोग करें, बिल्कुल जैसे जैसे प्रक्रिया से मैंने बताई है, प्रथम शुक्रवार से आपको असर दिखेगा। वो जो कुरीतियाँ चल रही है ना उनके दिमाग में आपके प्रति, वो कुरीतियाँ खत्म हो जाएंगी, वो आपको अपने परिवार का हिस्सा समझने लगेंगे। उसके बाद एक समय तो ऐसा आएगा कि आप बोलें सुबह तो बोलेंगी सुबह, आपने कहा शाम तो सास के लिए भी वो शाम, ना आए ये दिन तो कहना। बस मित्रों आज के लिए इतना ही, जरूर करें मेरी बहनों, जरूर करें और देखें कि कैसे सास बहू कब माँ बेटी बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।